हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? देखो, अभी दीपावली की तैयारी चल रही है और ये हमारी श्रीमती जी हैं। ये बढ़िया स्वादिष्ट खीर बना रही हैं। इसमें इन्होंने डाला है चिरौंजी, मखाने और ये देखो छोटी इलायची का भी, राजू छोटी इलायची की खोटाई हो रही है और ये भी इसमें डाली जाएगी। और ये बढ़िया बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाती हैं। और आप देखिए, ये इन्होंने आलू उबाल लिए हैं और इस आलू को अभी मैश करेंगे और मैश करने के बाद में बढ़िया स्वादिष्ट कचौड़ियाँ बनाई जाएंगी जो बढ़िया ठंडे दही के साथ खाई जाएंगी। और ये इनका देखो मसाला, जो जिसको बोलते हैं मसालदानी, इसमें देखो सारे मसाले इनके भरे हुए रहते हैं हमेशा। और ये कढ़ाई, कढ़ाई में भी जरा इसको खोलो, इसमें क्या बनना है भाई, दिखाओ। गोभी आलू इसमें देखो आलू और गोभी की स्वादिष्ट सब्जी बनने जा रही है और ये बहुत ही बढ़िया खाना पकाती हैं, बहुत ही स्वादिष्ट। और ये देखो, ये इनकी रसोई है और इसमें पूरी इन्होंने किस प्रकार की, जो मार्बल होती है, मार्बल टाइप के मॉड्यूलर किचन इन्होंने बनवाई है। और ये देखिए, ये इनका आरओ है जो कि मॉड्यूलर ब्रैकेट में इन्होंने बंद करा दिया है, कैंट का आरओ है। लेकिन ये पानी कभी आरओ का नहीं पीती है, पानी सीधा समर का पीती है, पर इनको खर्चा कराने की बहुत वो है कि हमारे घर में सारी चीज होनी चाहिए। साथ में अभी ठंडी का मौसम आ रहा है और ये देखो 5 लीटर का छोटा जो आपका ये जो आता है गीजर, जिससे कि गर्म पानी की सप्लाई आती है। बर्तन धोने के लिए इनको गर्म पानी चाहिए क्योंकि सर्दियों में टंकी का पानी बहुत ही ठंडा हो जाता है, इसलिए इन्होंने ये छोटा गीजर लगवा रखा है। और इनके किचन में सारी जितनी भी डिब्बे हैं, किसी न किसी में सारी चीजें इनको भरी रहती हैं। और इनको पता नहीं कैसे पता लग जाता है कि इसमें ये है, मैं तो ढूंढता रहता हूँ लेकिन मुझे नहीं मिल पाता है। और ये देखिए, ये इनका ओवन है, IFB का है, जो कि बिल्कुल देखो दीपावली पे इन्होंने खरीदा था। और अभी इनके बढ़िया, अभी सुबह से इनकी तैयारी चल रही है, मंदिर में इन्होंने फूल लाके रखे हुए हैं जिनकी ये माला बनाएंगी और माला बना के फिर ये गेट पे बंधनवार बनाएंगी। और ये देखिए बढ़िया कुकिंग का, अभी खीर बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। अभी इसको टाइम लगेगा बनने में, लगभग आधे घंटे में ये खीर पकेगी। और ये देखो, मैंने बोला था आलू मैश किए जाएंगे, ये देखिए आलू मैश हो रहे हैं और अभी इनमें बढ़िया से मसाले मिक्स करने के बाद में बढ़िया कचौड़ियाँ बनाई जाएंगी। और कचौड़ियाँ बन के तैयार होंगी तो मैं आपको बताऊँगा, तब तक आप वेट कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम। तब तक आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ, आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री राम।